सुप्रभा छात्रों, संकल्प इस पाठ्य पुस्तक में से आज हम शांति इस पाठ की पढ़ाई करने जा रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 21 पर यह शांति पाठ है। यहां पर बच्चे, फिर चाहे वो बाल मन, फिर बच्चे चाहे वो इंसान के हो या जानवर के, बचपन से ही बड़े पवित्र और उदार होते हैं। अब पवित्र मतलब यहां पर होली कह सकते हैं या इनोसेंट कह सकते हैं, और उदार मतलब क्या, अपनी चीज दूसरों को दे देते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। उसमें मतलब बच्चों में दया, करुणा, भाईचारा और परोपकार की भावना भरी रहती है। जब बच्चे छोटे होते हैं, फिर चाहे वो इंसान के हो चाहे जानवर के, उनमें दया होती है, सिंपथी होती है। करुणा मतलब दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों के बारे में प्यार करना। भाईचारा, भाईचारा मतलब एक दूसरे से अपने भाई के जैसा व्यवहार करना। और परोपकार, परोपकार मतलब अपनी चीज दूसरों को बिना किसी मतलब के दे देना, उसे परोपकार की परोपकार कहते हैं। परोपकार की भावना बच्चों में होती है, भरी रहती है। लेकिन जो जो वह बड़ा होता है, जो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनका मन राग द्वेष से भर जाता है। मतलब उनमें गुस्सा आ जाता है, एंग्री हो जाते हैं, द्वेष, एक दूसरे के बारे में वो बुरा सोचने लग जाते हैं, द्वेष करने लग जाते हैं, और वह किसी को शत्रु या मित्र बना लेते हैं। यानी जैसे बड़े हो जाते हैं तो किसी को शत्रु बना लेते हैं, किसी को मित्र बना लेते हैं। तो आइए इस पाठ में बच्चों और उनके माता पिता की मानसिकता, मानसिकता मतलब मेंटेलिटी, मानसिकता मतलब मेंटेलिटी के अंतर को देखते हैं। मतलब बच्चे क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में और उनके माता पिता क्या सोचते हैं, इसका जो अंतर है, डिफरेंस है, उसके बारे में हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। सूरज काले बादलों से धीरे धीरे निकलने लगा था। काले बादल मतलब क्या, ब्लैक क्लाउड। सूरज मतलब सन। काले बादलों से धीरे धीरे निकलने लगा था मतलब यहां पर सुबह हो रही थी। जंगल में, जंगल मतलब फॉरेस्ट, जंगल से, जंगल में से गुजरने वाली नदी में खड़ा अर्ध ध्यान, अर्ध ध्यान मतलब जो सूर्य को जल देते हैं। हिंदू धर्म में सुबह उठने के बाद, स्नान करने के बाद जो सूर्य देवता है उसे जल चढ़ाया जाता है, सूर्य देव की पूजा की जाती है, उसे अर्ध दान कहते हैं। लीन, लीन मतलब डूबा हुआ, भगवान की प्रार्थना में डूबा हुआ। लीन एक सन्यासी मन ही मन कह रहा था। तो ये जो सन्यासी है, जो भगवान सूर्य देव को जल चढ़ा रहा था, वो मन ही मन यह कह रहा था, हे ईश्वर, तू प्रकाश, तुम प्रकाशमान हो। प्रकाशमान का अर्थ यहां पर प्रकाश देने वाला, सबको अच्छी बुद्धि देने वाला, सबका, इस संसार का अंधकार दूर करने वाला तुम प्रकाशमान हो। तुम ही धरती पर होने वाले अंधकार के संहारक हो। अंधकार मतलब जो पाप है, जो दुख है, उसके संहारक, संहारक का अर्थ यहां पर मारने वाले, इस दुख को खत्म करने वाले हे भगवान ईश्वर तुम ही हो। तो धरती का अंधेरा तो तुम नष्ट करते हो हे भगवान, तुम सूर्य देव, तुम जैसे ही प्रकाशमान होते हो धरती का अंधेरा तो तुम नष्ट करते हो, परंतु इस धरती पर रहने वाले लोगों के मन के अंधेरे को, अब यहां पर इस साधु का जो है सूर्य देव से ये प्रार्थना है कि ये धरती पर जो लोग है, या इस लोगों की, धरती पर रहने वाले लोगों के मन के अंधेरे को तुम कब दूर करोगे। अब यहां पर मन का अंधेरा है, यानी एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना। मन का अंधेरा मतलब क्या, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना। इस लोगों के मन के अंधेरे को तुम कब दूर करोगे, उसे घट घट में रमे राम के दर्शन कब होगे, मतलब लोगों में सद्बुद्धि कब आएगी। इसमें घट घट में रमे राम के दर्शन कब होंगे, मतलब लोग सत्मार्ग पर, सच्चे रास्ते पर कब चलेंगे, उसके दर्शन कब होंगे। हे दया निधान, दया निधान मतलब सब पर दया करने वाले, मुझे विश्वास है कि
दुनिया को घेरे अशांति, आज दुनिया में अशांति फैली है। यहाँ पर कि दाना दावानल, दावानल का अर्थ जंगल की आग को सिर्फ तुम ही शांत कर पाओगे। अब यहाँ पर जंगल में क्या वास्तव में फायर आग लगी है क्या? नहीं। इस सन्यासी का ये कहना है जंगल में जो मारा काटी हो रही है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, उसे तुम कब शांत कर पाओगे? जंगल में शांति अमन कब लाओगे? जंगल में एक जानवर दूसरे जानवर को कब, एक दूसरे को क्यों कब मारने के लिए बंद करेगा? इस तुम सिर्फ शांति शांत कर पाओगे। शांति के विधान के लिए मैं अपना तप, शांति के विधान के लिए मतलब यहाँ पर जंगल में शांति अमन, कोई भी जानवर एक दूसरे को न मारे, इसके लिए मैं अपना तप, तप मतलब यहाँ पर ध्यान साधना, सुख स्वर्ग और सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार हूँ। नौछावर कर देना मतलब बिना किसी परतावे के उस चीज को भगवान को अर्पण करना। यहाँ पर तप करना, सुख स्वर्ग और सब कुछ मैं नौछावर करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करो पर इस दुनिया में अमन, अमन का अर्थ यहाँ पर सुख शांति चैन यहाँ पर आप लाओ। मतलब अमन कब आएगा? जब जंगल के जानवर जब शांति से बिना किसी को मारे पीटे यहाँ पर किसी की जान लिए यहाँ पर रहने लगेंगे तो जंगल में अमन आ जाएगा। शांति का साम्राज्य फैला दो। शांति का साम्राज्य फैला दो मतलब क्या? कोई भी जानवर एक दूसरे को न मारे। मैं ऐसी सुंदर दुनिया देखना चाहता हूँ। ये जो साधु है वो सूर्य देव को प्रार्थना कर रहा है कि मैं ऐसी दुनिया देखना चाहता हूँ कि जहाँ सिंह की पीठ पर खरगोश खेलता हो। अब ये पॉसिबल है क्या? ये संभव है क्या कि खरगोश शेर के पीठ पर बैठे, शेर तो उसे तुरंत खा लेगा, और उकाब की गोद में, उकाब उकाब यहाँ पर उकाब मतलब ईगल, जो हम उकाब का अर्थ है यहाँ पर चील, चील मतलब ईगल, ईगल की गोद में सांप सोया हो। अब जो चील और सांप एक दूसरे के गहरे दुश्मन होते हैं, जैसे ही चील सांप को देखती है तो उसे तुरंत खा देती है, और सभी जानवर एक हो मतलब कोई जानवर किसी को न मारे। अब बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि जो साधु है वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे दयानिधान इस जंगल में तू क्या कर, सुख शांति फैला दे। अब होता क्या है बच्चों, उसी समय एक चील अपने घोंसले से झांककर सूरज को देख रही थी। अब यहाँ पर जंगल में साधु प्रार्थना करता है, तभी एक चील, चील मतलब ईगल, अपने घोंसला, घोंसला मतलब क्या, अपना जो घर होता है वो लकड़ियों से बना हुआ, उन्होंने छोटी छोटी लकड़ियां जमा करके इकट्ठा, उसमें उनका जो घोंसला होता है, घर होता है, घोंसले से झांक कर, झांकना मतलब बाहर देखना, सूरज को देख रही थी। सूरज के दर्शन से उसे बेहद प्रसन्नता हुई। सूरज के दर्शन हुए मतलब सुबह हो गई, उसे बेहद प्रसन्नता हो गई कि चलो अभी मॉर्निंग हो गई, और शायद उसे मुर्गी के छोटे पिलपिले चूजों का स्मरण हो आया था। तो शायद मतलब क्या, उसे उस चील को, ईगल को, मुर्गी के छोटे छोटे पिलपिले, पिलपिले मतलब नरम नरम, सॉफ्ट सॉफ्ट, चूजे मतलब छोटे बच्चे, मुर्गी के छोटे बच्चों का स्मरण हो आया था। मतलब वो सोच रही थी कि चलो अभी सुबह हो गई, मैं जाकर के मुर्गी के जो छोटे छोटे चूजे हैं, बच्चे हैं, उनकी शिकार करूंगी। उसी समय उसका चकुला, चकुला मतलब चील का बच्चा, पीछे से आकर उसकी गोद में दुबकने का प्रयास करने लगा है। मतलब आपने देखा है छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अपनी माँ को दुबक कर बैठे हैं, बैठते हैं, तो वैसे ही वो चील का जो चकुला है, छोटा बच्चा है, पीछे से आकर उसकी माँ की गोद में दुबकने का, दुबकना मतलब जो पर होते हैं उसके नीचे छुपने का प्रयास करने लगा। उसे चूमकर चील बोली, चील ने उसके बच्चे को चूमा और क्या बोली, देखो बेटे
अब आखेट का समय हुआ है। आखेट मतलब क्या, यहाँ पर शिकार के लिए जाना। आखेट का समय हुआ है, मैं अभी जाकर के शिकार करने जा रही हूँ। मैं पल भर में लौट आऊंगी। पल भर मतलब एकदम विद इन अ सेकेंड, मैं पल भर में लौट आऊंगी। कल तुम अपने घोंसले से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अब उस माँ को डर है। क्या डर है कि ये बच्चा कभी घोंसले से निकला तो वो नीचे गिर पड़ेगा और वहाँ पर जो उसे उसके पर नाजुक है उसे उड़ते नहीं आता, तो दूसरे कोई भी जानवर उसकी शिकार कर सकते हैं। इसलिए वो उसे समझाती है कि कल तुम घोंसले से निकलने की कोशिश कर रहे थे प्यारे, शायद तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे पंख अब भी कमजोर है, मतलब तुम्हारे पंखों में अभी तक शक्ति नहीं आई है, तुम उड़ नहीं सकते। तुम सामने वाला वह जो नीला आकाश देखते हो ना, वहाँ एक डायन हमेशा दाव लगा कर बैठी रहती है। वहाँ एक डायन, डायन मतलब यहाँ पर हम डायन का अर्थ यहाँ पर शब्दशः एक राक्षसी कह सकते हैं, एक डायन जो भूतनी होती है वो हमेशा दाव लगा कर बैठी रहती है। दाव लगा कर बैठे रहना मतलब जो दूसरों को पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो दाव लगा कर बैठी रहती है वह तुम्हारे जैसे मासूम चकुलो, चकुलो मतलब छोटे बच्चों को इशारा करके अपनी ओर बुलाती है और फिर ठग कर, ठगना मतलब धोखे से, उन्हें अपने घोंसले में भगा ले जाती है। गीत गाकर वह तुम्हें बहकाएगी, बहकाएगी मतलब तुम्हारा, तुम्हें वो आमिष बताएगी, तुम्हें लालच बताएगी। बादलों में छिपे सुंदर हाथी घोड़ों का वह तुम्हें प्रलोभन, प्रलोभन का अर्थ यहाँ पर लालच बताएगी और तुम्हें लगेगा इन हाथी घोड़ों जैसी आकृतियों को तुम खेलने के लिए वहाँ पर घोंसले से बाहर निकलोगी, तुम्हें प्रलोभन दिखाएगी। पर देखो बेटे, एक बात याद रखना, चकुलों को ठग कर मतलब जो चील के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ठग कर धोखे से उनका पिलपिला मांस, पिलपिला मतलब नरम सॉफ्ट, मांस मतलब गोश शरीर, मांस खाने वाली दुष्ट डायन है यह, यह राक्षसी ने डायन है, भूतनी है, उसकी बातों में मत आना, मेरी कसम तुम अपने घोंसले से मत निकलना। अब यहाँ पर ये जो चील है वो उसके बच्चे को समझाती है और डराती है। जैसा हम हमारे बच्चों को डराते हैं वैसा ही कैसे डराते हैं, देखो छोटे बच्चों को कहते हैं वो उधर बाहर जाओगे ना तुम, रात शाम का समय हो गया उधर भोकाड़ी आ जाएगा। भोकाड़ी वास्तव में होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन हम उसे डराते हैं तो बच्चा तुरंत घर में भाग कर आता है। वैसे ही ये चील है उसके बच्चों को समझाती है कि यदि तुम इस घोंसले से बाहर निकलोगे और ये आकाश में एक डायन रहती है और वो तुम्हें बुलाएगी और तुम्हें मारकर खा जाएंगी, इसलिए घोंसले से बाहर नहीं निकलना। और वो कसम भी देती है, मेरी कसम तुम अपने घोंसले से मत निकलना, मैं आज तुम्हारे लिए सुंदर सा सपोला, सपोला मतलब यहाँ पर सांप का बच्चा लाऊंगी, समझे, मेरी बातों का ख्याल रखना, भूलना नहीं, घोंसले से बाहर नहीं निकलना। माँ के इतने समझाने पर बच्चे ने, चकुले ने सवाल पूछा, सपोला माने, चकुले ने प्रश्न किया, सपोला छोटा होता है, उसे पकड़ना आसान होता है, मात्र बखान से, बखान से मतलब वर्णन करने से थोड़ी समझ में आएगा, बेहतर है कि बड़े होने पर तुम उसे खुद पकड़कर देख लेना। माँ ने उसे समझाया कि जो सपोला होता है वो छोटा होता है, वो ज़्यादा फुर्तीला नहीं होता, उसमें स्पीड नहीं होती भागने की, रेंगने की, इसलिए उसे जल्दी पकड़ सकते हैं और बेहतर है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम खुद ही पकड़कर देख लेना। फिर बच्चे ने सवाल पूछा, उस सपोले की माँ नहीं होती, चकुले ने पूछा। चील मौन रह गई, यदि तुम उसे पकड़ोगी तो क्या उसकी माँ नहीं रोएगी। अब यहाँ पर वही प्रश्न है इस शांति पाठ का कि माँ बाप क्या सोचते हैं और बच्चे क्या सोचते हैं। जैसे ही वो जो चील होती है अपने बच्चे को घोंसले से निकलने से मना करती है, लेकिन
वो चकुला सोचता है यदि किसी सपोले को पकड़ के लाएगी तो उसकी माँ को दुख नहीं होगा कि उसका बच्चा गुम हो गया, तो यदि तुम उसे पकड़ोगी तो क्या उसकी माँ नहीं रोएगी? उस सपोली की माँ नहीं होती? चकुले ने पूछा। चील मौन रह गई। तो बच्चे ने अगला सवाल किया, यदि तुम उसे पकड़ोगी मतलब सपोले को पकड़ोगी तो क्या उसकी माँ नहीं रोएगी, उसके माँ को दुख नहीं होगा? तुम कितने मासूम हो मेरे बच्चे, चील ने जवाब दिया, तुम कितने मासूम हो मेरे बच्चे। अरे पगले, अरे पागल, सांप की और हमारी जाति अलग अलग है, उसका और हमारा खून भी अलग है बेटे। उसके साथ हमारी दुश्मनी तो सदियों पुरानी है। दुश्मनी मतलब एनिमी, यहाँ पर जो दुश्मन होते हैं एनिमी होते हैं, वैसी उस सपोली की और यहाँ पर चील की दुश्मनी होती है, सदियों पुरानी। सदियों मतलब जन्मों जन्मों से हमारी उनकी दुश्मनी है। अब बच्चे ने फिर सवाल पूछा, दुश्मनी से मतलब दुश्मनी क्या होती है? बच्चा इनोसेंट होता है, उसको कोई पता नहीं होता है। सांप चील का बैरी होता है, बैरी मतलब यहाँ पर एनिमी। तो बैरी मतलब, बच्चे ने फिर पूछा, बैरी को मारा जाता है, बैरी मतलब जो दुश्मन होता है उसे मारा जाता है। फिर बच्चे ने सवाल पूछा, क्यों? तो चील ने जवाब दिया, पेट के लिए, पेट भरने के लिए। फिर इनोसेंट बच्चे ने सवाल पूछा, जवाब दिया, फिर हम कुछ और खा लेते हैं कि उस सपोले को पकड़ के लाओगी तो उसकी माँ को दुख होगा, फिर हम कुछ और खा ले तो? तब चील ने जवाब दिया, पागल कही के, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था जो भगवान से प्रार्थना करता है कि इस जंगल में कोई किसी को न मारे। पागल कही के, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। लगता है तुम गलती से मेरी कोख में आ गए हो, मेरे पेट में पैदा हो गए हो। अपने चकुले को फिर प्यार से चूमकर चील ने आकाश में छलांग लगाई। फिर अचानक वह धरती की ओर चली, मानो आकाश से धरती की ओर आने वाला कोई वायुयान हो। वायुयान मतलब विमान, क्योंकि आपने चील को देखिए कितनी फुर्तीली छट से ऊपर छलांग लगाती है और गोता लगाती है हवा में, और एक विमान की तरह वो धरती की ओर कोई आने वाला वायुयान के जैसी नजर आ रही थी। तो छात्रों, आपको समझ में आया, चील जो अपने बच्चे को घोंसले से निकलने से मना कर रही थी, वही चील जब सपोले के बच्चे को पकड़ने की बात करती है तो वो चील का जो चकुला है वो कहता है, माँ वो जब तुम सपोले को पकड़ोगी तो उसकी माँ को दुख नहीं होगा, तो क्यों ना हम खाने के लिए कोई और दूसरी चीज़ ढूंढ लें। यही अंतर है जो बड़े बुजुर्ग अपने अलग ढंग से सोचते हैं, लेकिन ये इनोसेंट और जो मन के सच्चे बच्चे होते हैं वो क्या सोचते हैं। आइए अगली तासिका में हम पृष्ठ क्रमांक 23 पर जो अगला प्रसंग है उसकी पढ़ाई करेंगे।